तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। सेलुलर रिस्पिरेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में। अच्छा, सेलुलर रिस्पिरेशन होता क्या है? अच्छा, रिस्पिरेशन क्या होता है? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका डिफिनेशन अगर खोजा जाए तो हम लोग ढूंढते रह जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा इसको, इस चैप्टर को ख़त्म करने में। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करना है। तो ये मैंने पहले क्लास ली हुई है, मैं आप लोगों को फटाफट इसके बारे में बता देता हूँ कि आप लोगों की भी नॉलेज थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी इससे। अच्छा, देखिए यहाँ पे सेलुलर रिस्पिरेशन में यहाँ पे क्या दिखाएगी, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है तो इसको माइक्रो मॉलिक्यूल में तोड़ा जा रहा है और इससे जो एनर्जी मिलती है उसी एनर्जी को यूज़ किया जाता है एटीपी सिंथेसाइज करने के लिए, जो कि एनर्जी कॉइन होता है हमारा। अच्छा, मेटाबोलिज्म, तो एक मेटाबोलिक प्रोसेस है जिसमें मेटाबोलिज्म में कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म दोनों आता है। कैटाबोलिज्म का मतलब कैटालिसिस यानी कि ब्रेकडाउन। तो जो सेलुलर रिस्पिरेशन है इसको तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस, एक पढ़ते हैं क्रेब्स साइकिल, एक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक, अब ग्लाइकोलिसिस में क्या है ना कि ग्लाइकोलिसिस में ये है कि जो ग्लूकोज, ठीक है, जो ग्लूकोज, जैसे मान लीजिए कि हम दिखा दें कि राइट, ये देखिए यहाँ पर एक ग्लूकोज है। अब ये देखिएगा, ये जो यहाँ पर ग्लूकोज है ना, तो यही ग्लूकोज ऐसे धीरे 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 ऐसे होते होते यहाँ तक आया हुआ है। ठीक, और ये सेल के अंदर आ गया, तो चलिए इसको हम यहीं छोड़ देते हैं जहाँ पे था। ये सेल के अंदर जो यहाँ पे आया हुआ है, सेल के अंदर आते ही क्या होता है इसको, ये देख रहे हैं आप लोग, हटा दिए इसको यहाँ से, ये क्या है, फॉस्फेट है। जैसे इसको फॉस्फेट यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है, इसकी वजह से ये बाहर, ये जो है निगेटिवली चार्ज हो गया तो ये बाहर नहीं जा पाता। क्योंकि हम लोगों को भी पता है कि ये जो हमारा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये जो हमारी मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन क्या होती है, सेलेक्टिव परमिएबल, और सेलेक्टिव परमिएबल होने की वजह से ये कभी भी चार्ज पार्टिकल्स को बाहर नहीं जाने देती सिंपली। ठीक है, तो ये तो है मान लीजिए ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में हम लोग देखेंगे, और ग्लाइकोलिसिस में हम लोग को यही देखना है कि जो ग्लूकोज है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, ये जो ग्लूकोज है, सेम ग्लूकोज ये एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के अंदर आया, और सेल के अंदर आने के बाद ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है ना, तो इसी 6 कार्बन को तोड़ना है। ठीक है, अब ये जो 6 कार्बन है, जैसे मान लीजिए 6 कार्बन को तोड़ना है, तो ग्लाइकोलिसिस में यही 3 कार्बन अलग और तीन कार्बन अलग कर दिया जाता है, यानी पाइरूवेट बना दिया जाता है। ठीक है, और यहीं पे यही पूरा प्रोसेस हम लोग देखेंगे ग्लाइकोलिसिस में, कितना एटीपी बनता है, कितना एनएडीएच बनता है, ठीक है, और सब्सट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोरेशन क्या होता है, कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें। 10 स्टेप हैं, 10 एंजाइम का नाम है, कुछ रेगुलेटरी स्टेप हैं, कुछ के इनहिबिटर एक्टिवेटर पढ़ लेंगे, हमारा ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा। तो इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने अपनी रेगुलर क्लास में बहुत डिटेल में बताया हुआ है, तो इतना डिटेल में जानने की अभी ज़रूरत नहीं है। मैं चलता हूँ आप लोगों को रिवीजन, याद रहे कि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना, ICMR साइंटिस्ट बी के लिए हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन में ये सारी चीज़ें हो जाएँ। ये हमने बताया था जो पूरा कोरिलेट कराया था माइटोकॉन्ड्रिया की, कैसे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एक और कार्बन डाइऑक्साइड कहीं चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, ठीक है, वो 6 कार्बन जो होता है वो क्रेब्स साइकिल में एक CO2 बन के निकल गया, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया CO2 बन के निकल गया, और वही CO2 जो है क्लोरोप्लास्ट में जोड़ दिया जाता है। तो इस CO2 को जोड़ने के लिए चाहिए होता है ATP, है ना। जैसे मैं एक और डायग्राम आपको दिखा दूं, देखिएगा, ये देख लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ कि ये जो CO2 है, ये CO2 को जोड़ने के लिए लगा हुआ है ATP NADPH, तो जब इसको तोड़ेंगे तो कुछ एनर्जी मिलेगी ना, और उसी एनर्जी से ATP और NADPH बना लिया जाता है, फिर NADH जो बनेगा उस NADH का ऑक्सीडेशन करा के देख लिया जाएगा कि कितना ATP बनता है। अच्छा, NADPH और NADH में क्या डिफरेंस होता है, NADPH और NADH में क्या डिफरेंस होता है, ये ध्यान रखिए, इसका स्ट्रक्चर मैं दिखाऊंगा, ये पूछा जाता है सर। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने सीधे अपने बुक की तरफ। ठीक है, अगर बुक प्यास लगी हो तो ये हाजिर है आप लोगों के लिए। क्या है ये, अल्कोहलिक बियरेजेस। हाँ, तो चलिए अब सीधे बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस का, फेज़ 1, फेज़ 2, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें याद करने के लिए हैं। मैं इसी से डायरेक्ट बता सकता हूँ, और नहीं तो आगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ पर थोड़ा थोड़ा बताते जाऊँगा। तो जैसे हमने सबसे पहले बताया था आप लोगों को कि जैसे ही ग्लूकोज इंटर करता है अंदर, वैसे ही देखिए जो ग्लूकोज है, और ग्लूकोज 6 कार्बन का है ना, इसलिए इसको हेक्सोज बोला जाता है, और पहला
फॉस्फेट जाके इस सिक्स पोजिशन पे पहला फॉस्फेट यहाँ पे जाके ऐड हुआ, इसलिए इसको हेक्सोकाइनेज बोल दिया जाता है। ठीक है, अच्छा हेक्सोकाइनेज के कई टाइप हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ये जो ग्लूकोकाइनेज होता है ना, वो टाइप 4 हेक्सोकाइनेज होता है। तो ग्लूकोकाइनेज में इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्लूकोज को ही क्या कर रहा है, फॉस्फेट ऐड करने का काम कर रहा है। तो ये हो गया ग्लूकोकाइनेज। अच्छा हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज, यहाँ पे ATP यूज़ की जा रही है। अच्छा मैं बताऊँ आप लोगों को एक कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। ATP में 3 फॉस्फेट होता है, ये हम लोगों को पता है, यहाँ पे सुगर और यहाँ पे एडिनिन। ठीक है, अब क्वेश्चन आप लोगों से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछना होगा ना, तो पूछ देगा कि साइटोसोल में जितने ATP हैं उन सब के ATP के गामा फॉस्फेट को रेडियो लेवल कर दिया गया है। अब ग्लाइकोलिसिस होने के बाद, ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट हाफ होने के बाद, ठीक है 5 स्टेप होते हैं, वो रेडियो लेवल फॉस्फेट कहाँ पाया जाएगा? तो देखिए, अब कभी भी यहाँ से जो फॉस्फेट यहाँ पे ऐड हुआ होगा तो ये गामा फॉस्फेट भी हो, फॉस्फेट ही होगा, क्योंकि ADP तो रिमूव हो गया भाई। ये होता है अल्फा, बीटा और गामा। तो गामा फॉस्फेट, अब ये जो गामा फॉस्फेट है ना, यही जाके यहाँ पे जुड़ जाता है। तो रेडियो लेवलिंग वाली अगर क्वेश्चन आती है तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अगर ATP को रेडियो लेवल किया गया है, फॉस्फेट को, कौन से फॉस्फेट को रेडियो लेवल किया गया है, और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट में वो रेडियो लेवल फॉस्फेट पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा। अगर बीटा को किया गया है तो नहीं पाया जाएगा, गामा को किया गया है तो पाया जाएगा, इतना क्लियर होना चाहिए। अच्छा तो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। अच्छा ये रेगुलेटरी स्टेप यहाँ पे है, ये इरिवर्सिबल स्टेप है, क्योंकि यहाँ पे ATP लग रहा है, जहाँ जहाँ एनर्जी लगेगा वो इरिवर्सिबल है। और ये एंजाइम का क्लियर हो ही गया, यहाँ पे एक कोफैक्टर है, इसका नाम है Mg+2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए हेक्सोकाइनेज का जो एक्टिवेटर है वो ग्लूकोज है, जो इनहिबिटर है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है ना, तो हमेशा प्रोडक्ट तो इनहिबिट करता ही है एंजाइम को भाई, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करेगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे अगला एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, आइसोमर बनाने का काम कर रहा है फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, और ये क्या करेगा, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ पे आ गया, ये देखिए फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, एक जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोग को बताने जा रहे हैं, ये एग्जाम में पूछेगा और ये गलत हो जाएगा, लेकिन आप अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो गलत नहीं होगा। यहाँ पे पूछा जा सकता है हेक्सोकाइनेज का सबस्ट्रेट क्या है, ग्लूकोज नहीं है, ATP है। ठीक है, क्योंकि ATP को तोड़ के ये ऐड कर रहा है फॉस्फेट को यहाँ पे, इसको इस स्टेटमेंट को देखिए लिखा गया है यहाँ पे, हम अपने मन से कैसे बोल देंगे, कहाँ गया स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है ATP ओके सबस्ट्रेट, द ट्रू सबस्ट्रेट फॉर हेक्सोकाइनेज रिएक्शन इज ATP। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है स्टूडेंट से, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि ये गलत ना हो। और ऐसे ही फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, वहाँ पे भी सबस्ट्रेट जो है वो ATP है। ठीक है, वहाँ पे भी वो ATP को ब्रेक करके और ऐड कर रहा है फॉस्फेट को। ठीक है, ये मैक्सिमम स्टूडेंट से पूछेंगे तो गलत कर देंगे वहाँ पर। तो ठीक है, यहाँ पे हो गया, हमने आप लोगों को पहला स्टेप के बारे में बता दिया आइसोमरेज, अब हम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के बारे में बता रहे थे, PFK के बारे में। तो इसका सबस्ट्रेट यही है, ATP ही है, और कोफैक्टर Mg+2 ही है। ठीक है, और ये क्या करता है, पहले पोजीशन पे फॉस्फेट को ऐड कर देता है, इसीलिए इसको बोला जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, बाई फॉस्फेट नहीं, दो डिफरेंट पोजीशन पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बिस फॉस्फेट बोलेंगे। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, ATP नहीं रहेगा तो ये एंजाइम काम नहीं करेगा, लेकिन ATP एकदम कम हो जाएगा तब भी ये काम नहीं करेगा, दोनों काम है इसका। अगर सॉरी ATP नहीं रहेगा तो एंजाइम काम नहीं करेगा, लेकिन अगर ज़्यादा ATP हो गया तब भी एंजाइम काम नहीं करेगा। ठीक, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ ATP इसका इनहिबिटर है और लो कंसंट्रेशन ऑफ ATP इसका एक्टिवेटर है। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इसका एक्टिवेटर है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट इसका इनहिबिटर है। एक और जो बहुत फेवरेट इनहिबिटर जो एग्जाम में पूछा जा सकता है
वो होता है सिट्रेट। सिट्रेट भी जो क्रैब साइकिल का सिट्रेट है वो इसका इनहिबिटर होता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का इनहिबिटर ये हो गया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। हाँ, एक और एक्टिवेटर की बात करेंगे तो यहाँ पे होता है कि 2,6-बिस, इसका एक्टिवेटर होता है, हाँ, फ्रक्टोज 2,6-बिस फॉस्फेट। तो पहले हम चलिए फर्स्ट रिएक्शन को थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। इसको फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पहला एटीपी लग भी रहा है, ठीक है। अच्छा, प्राइम रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि हमको काम करना क्या है, हमको रिस्पिरेशन करा के, मतलब ग्लाइकोलिसिस करा के हमको एनर्जी बनाना है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी लग रहा है ना, तो इसलिए हैंडपम्प दिया हुआ है यहाँ पे। हैंडपम्प से पानी निकालना होता है तो पहले थोड़ा पानी तो डालना पड़ता है ना इसमें, समझ रहे हो, तो वही चीज़ है, ठीक है। और सिल्वर एडवांटेज ये है, देखिए जैसे फॉस्फेट ऐड हो जाता है तो ये निगेटिवली चार्ज होता है, ये बाहर नहीं जा सकता। अच्छा, ये देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पहला प्रोडक्ट है ना, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ये एक तरह का ये ब्रांच पॉइंट है, ये यहाँ से ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बना के ग्लाइकोजन या ग्लूकोरोनेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, या ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में भी जा सकता है, तो और या ये सीधे ग्लाइकोलिसिस आगे बढ़ा सकता है। तो ये एक ब्रांच पॉइंट है, ये एक ब्रांच पॉइंट है, आई बात समझ में। अच्छा, आगे बढ़ें तो अब देखिएगा, ये चीज़ हो गया, ये हम लोग को समझ में आ गया। ये कौन से मॉडल से काम करता है, तो इंड्यूस फिट मॉडल से काम करता है, एलोस्टेरिक और रेगुलेटरी साइट सब होती है इसमें। फिर आइसोमरेज, अच्छा आइसोमरेज के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पे इनएडोजल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा। जहाँ जहाँ पे भी आइसोमरेज आएगा, जैसे कि एक होता है ट्रायोज आइसोमरेज, जहाँ पे ढैप यानी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से जब वो ग्लिसरल डाइट सी फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है तो वहाँ पे ट्रायोज आइसोमरेज होता है। जहाँ जहाँ भी आइसोमरेज आएगा वहाँ पे इनएडोजल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है ग्लाइकोलिसिस में, ये देखिएगा आप ध्यान से। तो आगे बढ़ते हैं, अब अगला जो है ये देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यहाँ पे चाहिए क्या, Mg+2, सब्सट्रेट क्या है, ATP। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट, ये ग्राफ से क्वेश्चन पूछता है, देखिए अगर हाई अमाउंट ऑफ ATP रहेगा ना, यहाँ पे पूछा है एंजाइम का नाम, तो एंजाइम तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है, अब इस ग्राफ को कैसे समझेंगे हम लोग। तो देखिए रिएक्शन वेलोसिटी जो है हाई ATP पे, रिएक्शन वेलोसिटी क्या है, कम, क्योंकि मेन काम होता है ATP बनाना। अगर ATP ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड कर लेता है और एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देता है। लेकिन लो ATP चाहिए ना, क्योंकि यही तो सब्सट्रेट है इसका, तो लो ATP रहता है तो रिएक्शन वेलोसिटी बहुत फास्ट होती है। तो गेट के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्राफ बना के बस एंजाइम का नाम पूछ दिया था कि कौन सा एंजाइम होगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। अब भाई एक्सप्लेनेशन 5 नंबर में तो पूछेगा नहीं, ऐसा ही कुछ पूछेगा या एंजाइम का नाम दे देगा और यहाँ से लिख देगा कि कहाँ लो ATP रहेगा, कहाँ पे हाई ATP रहेगा, खत्म हो गया डायग्राम ही। बस इसको ऐसे देखिए जैसे आप किसी को देखते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रेगुलेशन कैसे होता है, रेगुलेशन की तो बात करेंगे तो ये इसको वॉल्व बोला भी जाता है। और देखिए ATP इनहिबिट कर रहा है तो AMP इसको एक्टिवेट करेगा। मैं यहाँ पे एक वो बना देता हूँ, चार्ट बना देता हूँ आप लोगों को समझने के लिए। देखिए इसका इनहिबिटर क्या क्या है, हाई अमाउंट ऑफ ATP, सिट्रेट और फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट। अच्छा, इसका एक्टिवेटर क्या क्या होता है, एक्टिवेटर होता है AMP, फ्रक्टोज 2,6-बिस फॉस्फेट और होता है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, इसका एक्टिवेटर होता है। और लो अमाउंट ऑफ ATP, ये ध्यान रखिएगा, लो ATP। तो इस तरह का कुछ भी अगर है आप लोग ध्यान से इसको लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जहाँ कहीं भी क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन आप लोगों से हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे, अच्छा 10% वाला नहीं, यहाँ पे छोड़ दीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को मन करेगा तो स्क्रीन पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम रिवीजन करा रहे हैं तो हमें थोड़ा जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। देखिए सिट्रेट के बारे में लिखा हुआ, इसलिए आप लोगों को ये बुक भी दिखा दे रहे हैं। अच्छा देखिए, फॉस्फोग्लूकोआइसोमेरेज को एक मून लाइटिंग प्रोटीन भी कहा जाता है। मून लाइटिंग मैं बता देता हूँ किसको कहा जाता है। मून लाइटिंग प्रोटीन का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रोटीन जिसका काम तो कुछ और है, तो अपना काम तो करेगा ही, किसी दूसरे का भी काम कर देगा। जैसे कोई मजदूर है
जो कि उसका उसकी ड्यूटी है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, लेकिन वो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक भी अगर काम कर रहा है तो उसको बोलेंगे मून लाइटिंग मजदूर, ठीक है। तो यहाँ पे एक और काम करता है ये जो फास्ट फूड ग्लूकोइसोमेरेज है, लिखा है ना यहाँ पे, इनफैक्ट आउटसाइड द सेल दिस प्रोटीन इज नोन एज न्यूरोल्यूकिन ऑटोक्रोइन मोबिलिटी फैक्टर AMF। और ये सब बस इतना जान जाइए, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया। अच्छा, अगला देखिए, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट हो गया ना। अब यहाँ पे एंजाइम काम करता है एल्डोलेज। अब एल्डोलेज इसको दो पार्ट में तोड़ देगा, ठीक है, दो पार्ट में तोड़ देगा। अब ये दो पार्ट में तोड़ेगा तो आप लोगों को एक चीज़ मैं समझाने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ आप लोगों से मिस नहीं होनी चाहिए, एकदम ध्यान से समझिएगा। ये चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, एकदम ध्यान से समझिएगा आप लोग, तभी अच्छे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए, ये ग्लूकोज है, मान लीजिए ग्लूकोज से आ गया है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। देखिए छठे पोजीशन में फॉस्फेट एडेड है ना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और यहाँ पे फ्रक्टोज, यहाँ पे पहले पे भी है और इस पे भी है फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। अब आएगा, देखिए अब क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ, कौन से एंजाइम का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, एल्डोलेज। ये देखिए ये है एल्डोलेज, चलो भैया एल्डोलेज। अब ये एल्डोलेज क्या करता है, इसको तोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये तोड़ेगा क्या, देखिए अब ये नंबरिंग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये नेट जार के लिए भी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 को ये तोड़ेगा, ठीक है, देखिएगा इधर मैं इसको यहाँ से लेके आ गया यहाँ पे, ठीक है। या देखिए इसको सेम टू सेम जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये ऐसे इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है, चलो हटा देता हूँ, बस आपको समझाना था ये कि ये 3 जो है यहाँ पे आएंगे और 3 यहाँ पे आएंगे। नंबरिंग याद करिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब एरो का कलर देखिए पहले पोजीशन पे फॉस्फेट एडेड होता है ना, छठे पोजीशन पे भी फॉस्फेट एडेड होता है कि नहीं। अच्छा एक बात और, जो कार्बन नंबर 1 का फेट होता है वही कार्बन नंबर 6 का फेट होता है, यानी कार्बन नंबर 6 आगे चल के मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट होता है तो कार्बन नंबर 1 भी मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट होता है। कार्बन नंबर 2 जो है कार्बन नंबर 5 का फेट होता है, यानी कि ये कार्बोनिल कार्बन है, और 3 जो होता है वो कार्बोक्सिलिक कार्बन है, ठीक है। सबसे पहले जब डी कार्बोक्सिलेशन होता है पाइरिमेट डिहाइड्रोजनेज में, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक कार्बन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है CH3CO और यहाँ पे COO-, ठीक है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है सबसे पहले, हो सकता है मतलब फॉर्मूला गलत हो गया हो, लेकिन सबसे पहले CO2 यही रिलीज होगा, यानी कि ये जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है वो 3 और 4 है ना, यानी कि अगर सबसे पहले रिलीज होना होगा तो या तो 3 यहाँ से निकल जाएगा और नहीं तो यहाँ से 4 निकल जाएगा, क्योंकि ये टूट गया तो पता नहीं है ना, क्योंकि आप लोग सुने होंगे कि टूटा एक परिंदा ऐसा टूटा फिर जुड़ ना पाए, है ना। तो वे टूट जाएंगे तो कहाँ से जुड़ेंगे, अब जुड़ना होगा तो ये जाएंगे फोटोसिंथेसिस में और स्ट्रोमा में, और जब डार्क रिएक्शन होगा तभी ये जुड़ पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा ये तो पता है नहीं कि जो कार्बन यहाँ से रिलीज हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड वो तीसरा है कि चौथा है, इसलिए इसको कहा जाता है 3R4। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप तो क्वेश्चन में लिखा रहता है 3R4, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को, यही हम इसको यहाँ से तोड़ने का जो काम कर रहे थे, यहीं से जो हम फंक्शन आपको बता रहे थे, देखिए ऐसे ही आप बुक पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है ना। चलिए तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने यहाँ तक इसके बारे में देखा, आपको बताया। और हाँ ये देखिए यहाँ पे टूटा हुआ है तो ये धैप और डिसडाइथिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये फर्स्ट हाफ था। अब सेकेंड हाफ में हम ऊपर से ही चल के फटाफट आपको बता देते हैं सेकेंड हाफ में क्या होता है। देखिए दो आएंगे यहाँ से तो 2-glycerdihydrophosphate ये है ना, अब यहाँ पर glycerdihydrophosphate dehydrogenase जो कि यहाँ पे बनाएगा 2NADH, भाई 2 है तो 2NADH बनेगा। यहाँ पे आता है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज के दिन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे
देखिएगा यहाँ पे फॉस्फेट ऐड हो रहा है, ये देखिए तो फॉस्फेट ऐड हो रहा है, 1,320 फॉस्फेट बता रहा है। तीसरे पोजीशन पे पहले से ही फॉस्फेट था ना, पहला दूसरा तीसरा, ये जो फॉस्फेट है ये अब आपसे ये पूछा जाएगा कि जब क्वेश्चन में कि एटीपी के गामा फॉस्फेट को रेडियो लेवल कर दिया गया है और ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट पे जा रहे हैं, ठीक है, तो जो 1,320 फॉस्फोग्लिसराइड यानी बीपीजी बनता है उसमें से कौन से नंबर का फॉस्फेट रेडियो लेवल्ड होगा, तो कौन सा होगा, क्योंकि पहले वाला इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ठीक है, ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है कि यही हम आप लोगों को बता रहे थे कि यहाँ पे याद रखना है कि ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, तो कब रेडियो लेवल किसको कह रहा है ये ध्यान रखिएगा आप लोग। एंजाइम कहाँ कहाँ कौन सा यूज़ हो रहा है, अच्छा यहाँ सातवां जो पोजीशन है ना यहाँ पे 2 ATP बना, ठीक है, पहली बार ATP बना है ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है, और इधर तो 2 यूटिलाइज हो ही गया था, एक पहले स्टेप में एक तीसरे स्टेप में, और यहाँ पे 2 बन गया, तो यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ओके ये देखो 3 फॉस्फोग्लिस, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे जो फॉस्फेट था रेडियो लेवल वाला वो आ गया यहाँ पे। अब सुनियो यहाँ पे, अब क्वेश्चन आ सकता है कि जो रेडियो लेवल फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था वो कहाँ रहेगा, वो ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट में रहेगा कि ATP में चला जाएगा, देखो ATP में चला जाएगा ये, क्योंकि पहले वाले पोजीशन से ये जा रहा है। खैर इतना डीप में क्वेश्चन आई डोंट थिंक कि पूछना चाहिए, लेकिन हाँ कभी कोई पूछ दिया अगर तो वही आदत है CSIR में घुस घुस के पढ़ाने वाली, इसीलिए सब आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे एक म्यूटेज एंजाइम है, ठीक है, ये क्या करेगा, दूसरे तीसरे वाले फॉस्फेट को दूसरे पे कन्वर्ट म्यूटेट कर देगा, तो म्यूटेज हो गया, और 2 फॉस्फोग्लिसरेट, उसके बाद से आ गया फॉस्फोइनल पाइरुवेट, यहाँ पे एंजाइम होता है जिसका नाम है इनोलेज, और इनोलेज का इनहिबिटर होता है फ्लोराइड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इनहिबिटर इसका फ्लोराइड याद रखिएगा, और फॉस्फोइनल पाइरुवेट और फॉस्फोइनल पाइरुवेट से बन गया पाइरुवेट काइनेज एंजाइम काम करेगा, यहाँ पे भी 2 ATP और 4 ATP बन गया। तो 2 यूटिलाइज हुआ था, ठीक है, 4 बना, अच्छा एक चीज़ और, चलिए एक समरी आप लोगों से हम पूछ लेना चाहते हैं तो शायद क्लियर हो जाए आप लोगों को भी और अच्छे से। समरी जो है फटाफट हम लोग देख लेते हैं, देखिए स्टेप्स कितने हैं, एंजाइम कितने हैं, ATP कितना यूटिलाइज हुआ, कितना गेन हुआ, 4, ठीक है ना, कितना CO2 रिलीज हुआ, 0, ना रिलीज हुआ ना यूटिलाइज हुआ कुछ नहीं, कितना वाटर ऑक्सीजन मॉलिक ऑक्सीजन कितना, अच्छा ये जो 0,0 हम लिखे हैं ना ये बच्चों से क्वेश्चन पूछ के लिखे हैं, हम इसलिए लिखे हैं, अच्छा कितना ऑक्सीजन यूटिलाइज या रिलीज हुआ, 0, ये 0 वाला सही है, ये 8 गलत है, ये बच्चे गलत बताते थे शुरू में तो हमने इसको करेक्ट किया था, ठीक है, अच्छा NADH कितना, 0, देख लीजिएगा आप लोग NADH कितना, 0, ओके रेट लिमिटिंग स्टेप कौन कौन से हैं, पहला और तीसरा, ठीक है, अच्छा वाटर मॉलिक्यूल 2 देख लीजिएगा, वाटर मॉलिक्यूल 2 कहाँ पे, किस प्लेस पे 2 वाटर मॉलिक्यूल यूटिलाइज हुए हैं, एक सेकेंड कहाँ पे, पाइरुवेट काइनेज, यहाँ देखिए इनोलेज, 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ यहाँ से, ठीक याद करिएगा इसको, ये हो गया, और इनहिबिटर्स में किसके क्या इनहिबिटर हो गया, एक्टिवेटर हो गया, CO2 का मूवमेंट हमने देख लिया, CO2 का मूवमेंट देखा ना, कौन से कौन कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक एक बार, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, ग्लाइकोलिसिस ख़त्म हो गया, थैंक यू सो मच।